बिहार में अगले 24 घंटे तक भीषण लू चलने का पूर्व अनुमान, इसे लेकर IMD ने रेड अलर्ट किया जारी। हीटवेव को लेकर 6 जिले में रेड अलर्ट, 8 जिले में ऑरेंज और 4 जिले में येलो अलर्ट किया गया जारी। राज्य में पिछले 24 घंटे में लू से 12 लोगों की हो चुकी है मौत। पटना, गया, नालंदा और शेखपुरा में रात में भी लू चलने के आसार। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, नवादा, शेखपुरा, बांका, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जम्मू में अगले 2 दिनों तक भीषण लू चलने की है आशंका। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिले में नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूल 24 जून तक रहेंगे बंद। आंगनवाड़ी केंद्र भी 24 जून तक रहेंगे बंद, इसे लेकर DM ने आदेश किया जारी। बिहार के खगड़िया जिले से शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। बेलदौर से जदयू विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल के भतीजे ने एक महिला की कोड़े से जमकर कर दी पिटाई। जदयू विधायक के भतीजे ने दबंगई दिखाते हुए पंचायत के दौरान भरी सभा में ही महिला की कर दी पिटाई। पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए SSP ने जांच के दिए आदेश। महिला की जा रही है खोजबीन, अगर नहीं मिली महिला तब भी पुलिस के आवेदन पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। ২০২৪ में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में दलित वोटरों को इकट्ठा करने के लिए जदयू ने चली विशेष चाल। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होते ही नीतीश कुमार ने रत्नेश तदा को मंत्रिमंडल में किया शामिल, तो दूसरी तरफ पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के पुत्र और उनके दामाद को भी जदयू में कर लिया शामिल। दो दिन पूर्व पोल्ट्री फार्म संचालक की गला रेतकर हुई हत्या मामले में राजद नेता के खिलाफ प्राथमिकी कर ली गई है दर्ज। नीतीश कुमार उर्फ टोनी की हत्या के मामले में नीतीश कुमार के पिता दुलार चंद यादव ने राजद नेता अरुणेश कुमार यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ दीपनगर थाने में हत्या का मामला कराया है दर्ज। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच, परिजनों से भी की जा रही है पूछताछ, जल्द ही मामले का खुलासा कर लेने की पुलिस ने कही बात।